नमस्कार सभी को। आज हम फिर से डेटा स्ट्रक्चर 301 सब्जेक्ट से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ग्राफ जो टॉपिक है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम और शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड्स इन ए ग्राफ। तो इसकी तीन एल्गोरिथम डिस्कस करनी है, जिसमें से एक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, एक आज करेंगे, एक बची हुई नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेलमैन फूड एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम किस हिसाब से बेटर है एज कंपेरिजन टू डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, और इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम इसमें देखेंगे। बेलमैन फूड एल्गोरिथम्स बेसिकली सेम एज द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है, और इसमें एक सोर्स नोड से रिमेनिंग सभी नोड्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो बात इसमें ये कह सकते हैं कि बेलमैन फूड एल्गोरिथम, दिस इज अगेन ए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम एंड वर्क विद अ डायरेक्टेड ग्राफ। वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में डायरेक्शन होना कोई जरूरी नहीं है, वो इसकी प्रॉपर्टी में बेनिफिट कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें डायरेक्शन दी होती है, यानी फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स देयर इज एन एज, ए शुड बी अ डायरेक्शन, मतलब ए से बी में अगर आपकी एज है तो ए से बी में उनकी डायरेक्शन होगी, तो दैट कॉल्ड द ग्राफ इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ पे जब शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो वो बेलमैन फूड एल्गोरिथम कहलाती है। और दूसरी बात, ये एल्गोरिथम सेकंड पॉइंट है ये कि इट वर्क प्रॉपरली विद द नेगेटिव वेट ऑफ एजेस एंड इवन ऑन इट वर्किंग विद द नेगेटिव साइकिल। मतलब क्या हुआ कि इवन अगर नेगेटिव एज हो और इवन नेगेटिव साइकिल भी है ना, तो भी ये प्रॉपरली वर्क करता ही करता है, ये इसकी अच्छी खासियत बात कह सकते हैं। यानी नेगेटिव एज है तो भी काम करेगा, और अगर किसी नेगेटिव साइकिल भी बन जाती है किसी केस में तो भी ये प्रॉपरली सही आंसर दे देगा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। दूसरी है कि हम इसके अंदर एक रिलैक्सिंग कंसेप्ट लगाएंगे, वो रिलैक्सिंग कंसेप्ट अगले स्लाइड में दिखाएंगे आपको एक फॉर्मूले के तहत। वो फॉर्मूला सेम एज डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का है, जहाँ से हमें यू से वी के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हुए उसकी एग्जैक्ट वी पे एग्जैक्ट वेट आपको फाइंड आउट करना है, या एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वी की, यू से वी में अगर कोई है। तो ये रिलैक्सिंग कंसेप्ट है जो हमें सभी नोड्स पे अप्लाई करना है, और ये एन माइनस वन टाइम्स अप्लाई करना है, वेयर एन इज नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन ए ग्राफ। जैसे यहाँ ए बी सी डी ई एफ छह वर्टेक्सेस हैं, तो इस छह वर्टेक्सेस के लिए हमें फाइव टाइम्स आपको ये रिलैक्सिंग वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रहे, फाइव टाइम अप्लाई करते टाइम अगर इन बिटवीन, अगर मान लीजिए तीन स्टेप के बाद ही आपका रिजल्ट नो चेंज आता है, तो आगे उनको रिलैक्सिंग प्रोसेस को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारा चेंज नहीं होता है तब तक हम अप्लाई करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम एन माइनस वन टाइम्स ही एजेस को रिपीट करेंगे, यानी वो कंसेप्ट आपको रिपीट करता जाना है। This is again one source is there and you have to find out the shortest path from one source or one node to remaining other nodes. ये काम इसमें ही हमें करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे सिंपल ग्राफ दे रखा है, इसमें हम ए से लेकर के सभी से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ डायरेक्शन दी हुई है, तो हमें जिस नोड से निकालना है उस नोड के बीच में एजेस है, उन एजेस को हमें लिख लेंगे, और इसके बाद में हमें ये रिलैक्सिंग वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रिलैक्सिंग वाला प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे, रिलैक्सिंग मींस क्या होता है, एज द सेम एज द डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, दैट इज इफ यू एंड वी अगर कोई नोड है उसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है यू और वी में, तो वी हैव टू फाइंड आउट इफ यू एंड वी, देन हमें यू और वी के बीच में डिस्टेंस प्लस यू का वेट और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो और वी का वेट, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू टू वी, कॉस्ट ऑफ यू टू वी को ऐड करेंगे डिस्टेंस ऑफ वी में, वो अगर डिस्टेंस वी की डिस्टेंस से ज्यादा आती है तो वी की डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ यू टू वी अगर यू की डिस्टेंस में जोड़ देते हैं आगे v की डिस्टेंस में से कम आता है तो कम वाले को लेते हैं, कुल मिलाकर के इन दोनों का ध्यान रखना है, डिस्टेंस ऑफ v को कंपेयर करेंगे डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ u एंड v, तो जो भी है वो कॉस्ट वो डिस्टेंस हो जाएगी नेक्स्ट u टू v में v की डिस्टेंस हो जाएगी, ये फॉर्मूला कह रहा है। यानी इफ d डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ u v इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v, देन डिस्टेंस ऑफ v शुड बी एडिशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट
ऑफ यू एंड वी। तो ये कहना चाह रहा है ये कंसेप्ट अप्लाई करने में हम हर नोड पे कब तक, जितने नंबर ऑफ नोड है माइनस वन टाइम्स, यानी पांच नोड है तो चार टाइम, सात नोड है तो छह टाइम, लेकिन इस बीच में भी हमें रिजल्ट प्रॉपरली मिलने लग जाएंगे बिफोर द फाइनल रिलैक्सिंग गो। नेक्स्ट, जैसे ये हमने इस ग्राफ की सबसे इनिशियल स्टेज मान सकते हैं, ए से सभी नोड पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ए पे हमने जीरो इनिशियल कर लिया और रिमेनिंग सभी नोड पे इन्फिनिटी मार्क कर लिया। इन्फिनिटी मार्क करने के बाद में हम डायरेक्ट एजेस को लिखेंगे, यानी वर्टेक्सेस के बीच में जो एजेस है विद देयर डायरेक्शन। जैसे ए से तीन एजेस निकल रही हैं और तीनों ए टू B, A to C, A to D जा रही है डायरेक्शन के साथ, तो A to B, A to C, A to D ऐसे लिखा। तो अब हमें अगला ऐसे ही B से सिर्फ B से E है, ऐसे ही C से हमारा C से B है, C से E है, ऐसे D से सिर्फ E है, D से सिर्फ दो है, D से C और D से F और E से लास्ट में E से F। तो इस हिसाब से एजेस निकाल ली। इन एजेस पे हमें रिलैक्सिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ये जो इन्फिनिटी वैल्यू है इनको रिप्लेस करते जाना है हर इटरेशन के साथ। पहला इटरेशन जैसे मान लीजिए हमें U हमारा A मान लो, V हमारा B मान लो, तो U टू V में हमें V की U A की तो डिस्टेंस जीरो है, नो प्रॉब्लम, तो हमें B की डिस्टेंस चेंज करना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम U टू V वाले में यानी A से B में, तो डिस्टेंस ऑफ A प्लस कोस्ट कोस्ट ऑफ यू टू वी मैंने कोस्ट ऑफ ए टू बी 6, यानी 0 प्लस 6 6 जोड़ेंगे, जो 6 इज लेस देन 2 डिस्टेंस ऑफ बी, तो ये इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगा किससे, 6 से। तो ये काम हमें इस पे करना है। ऐसे ही ए टू सी करेंगे, तो ए टू सी डिस्टेंस ऑफ ए 0 है और कोस्ट ऑफ ए टू सी इज 4 है, 4 प्लस 0 4 हो गया, लेकिन उसके अंदर डिस्टेंस हमारी 0 है, तो उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, तो हमने ये चेंज किया 6 2 6 2 A to B, तो A to B में डिस्टेंस हमें इन्फिनिटी से 1 हो गया। अगली बार फिर से हमें क्या करना है, अगली बार फिर से हमें क्या करना है, इसको अगेन यहां से देखेंगे, जब हम C से करेंगे, C से डिस्टेंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस इसका चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, ऐसे ही A to C किया, A to C इन्फिनिटी था पहले, C पे इन्फिनिटी था, तो यहाँ A to C डिस्टेंस A में 0 है, 0 प्लस 4 4 डिस्टेंस इन्फिनिटी रिप्लेस्ड बाय 4। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, B से रिप्लेस D से करेंगे, तो D से रिप्लेस हमारा या इससे डिस्टेंस हमारा कितना है, इसका डिस्टेंस है इन्फिनिटी, तो A टू D करेंगे, तो A टू D में हमारा 5 और 5 इसके साथ में डिस्टेंस हो जाएगा 5। और अब D से हम चेंज करेंगे, D से C पे जाएंगे, तो D से C में 5 माइनस 3 यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ गया, तो वो रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि वहां 4 है, तो वो 4 रिप्लेस हो गया, जब 3 आ गया, क्योंकि 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो गया, तो 3 हो जाएगा, तो 4 रिप्लेस बाय 3। ऐसे ही C से अगर E पे जाना क्या करेंगे, तो C से E पे हमारा क्या है, पहले से इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो 5 कहां से किया था हमने, 5 किया था B से C में, तो 6 माइनस यानी 4 प्लस 5 आया। और हम जैसे C से E पे जाएंगे, तब हमारा डिस्टेंस ऑफ C हमारा 4 है, 3 प्लस 3 6 हो गया, आगे हमारा 5 है, तो चेंज नहीं करेंगे। ओके, और ऐसे ही हमारा बाकी का डिस्टेंस, तो सभी का डिस्टेंस फाइंड आउट निकालने के बाद ये इटरेशन चलता रहेगा, ऐसे वो फॉर्मूले का, उस फॉर्मूले को याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ यू टू वी, जैसे भी ए से बी में निकालना है या डी से एफ में निकालना है या सी से एफ में निकालना है, जैसे हमने डी से एफ में निकालना है, तो डी को यू मान लेंगे, एफ को बी मान लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये हमारा वेट इसकी चेंजेस होती जाएगी, कॉस्ट इसकी चेंजेस हो जाएगी, यही फाइनल कॉस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का कंसेप्ट है। और ये फाइनल रिजल्ट आएगा, ए का 0, बी का 1, सी का हमारा 3, डी का हमारा 5, E का हमारा 0 और F का हमारा 3, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस एल्गोरिथम की बेनिफिट ये है कि ये नेगेटिव वेट एज में भी काम करता है, नेगेटिव वेट एज में भी काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेगेटिव वेट के साथ साथ नेगेटिव एज में भी काम करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।